वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और गाइस बढ़िया ही रहना, क्योंकि मैं फिर से न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ। हाँ फ्रेंड्स, जो आप इस तरह की स्टोरी एडिटिंग करोगे तो बहुत अमेजिंग लगने वाला है। इस तरह की स्टोरी एडिट जो आप लोगों से एडिट नहीं हो पा रही है तो मैं आपको एडिट करके दे सकता हूँ। ओके फ्रेंड, इसलिए मेरी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ से मेरा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये वाली स्टोरी एडिट करने में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इंस्टाग्राम में आ जाना होगा और इंस्टाग्राम में आने के बाद आपको जो भी पिक्चर को एड करना है वो पिक्चर आप एड कर सकते हो। मैं ये वाला पिक्चर को एड कर लेता हूं। इसके बाद आपको क्या करना होगा, अब आपको जाना होगा कलर वाला ऑप्शन में। कलर वाला ऑप्शन में जाने के बाद आपको क्या कलर वाला ऑप्शन में जाएंगे, वहां से आपको तीसरा वाला जो आइकन है उसको सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपको ब्रश से ये जो व्हाइट कलर है वो आपको ले लेना है। इसके बाद आपको फुल स्क्रीन में लगा देना है, ऊपर से राइट कर देना है। इसके बाद फिर से टेक्स्ट में जाएंगे और टेक्स्ट में जाने के बाद वन डॉट लगाने के बाद आपको कुछ स्पेस लगाने होंगे। स्पेस लगाने के बाद थोड़ा सा 10-11 बार स्पेस लगाने के बाद नीचे खिसकाएंगे और नीचे खिसकाने के बाद फिर से स्पेस लगाएंगे, फिर से नीचे खिसकाएंगे। आपको कुछ इस प्रकार का आपको बनाना होगा, आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार का आपको बना देना है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद कलर वाला जो हमारा ऑप्शन है वहां पर जाएंगे। वहां पर जाने के बाद आपको ये जो रेड कलर है वो आपको लेना है और एक के ऊपर दो बार टाइप करोगे, जो कलर के पास जो ऑप्शन है उसके ऊपर पास जो ऑप्शन है उसके ऊपर दो बार टाइप करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, उसको कुछ इस प्रकार से आपको रख देना है। इतना करने के बाद आपको वन डॉट लगाना होगा और लास्ट वाला टेक्स्ट में आ जाना होगा, उसका कलर आपको ब्लैक करना है। ओके फ्रेंड्स, लास्ट वाला टेक्स्ट में आने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से उसको भी एडजस्टमेंट कर देना होगा ऊपर की साइड, ये देखो कुछ इस प्रकार से, और फिर से जाएंगे टेक्स्ट वाला ऑप्शन में। ओके फ्रेंड्स, टेक्स्ट वाला ऑप्शन में जाने के बाद फिर से वन डॉट लगाएंगे और अब उसका कलर है वो आपको येलो रख देना है, कुछ इस प्रकार से येलो रख देना है। ओके फ्रेंड, वो कुछ इस प्रकार से आपको एडजस्टमेंट करना होगा। ये देखो इस तरह से हो गया। इसके बाद आपको फिर से जाना होगा टेक्स्ट में। टेक्स्ट में जाने के बाद आपको अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको अंडरकोट लगाना है और उसका कलर आपको रखना है ब्लैक। ब्लैक कलर रखने के बाद उसको कॉपी कर लेना होगा। कॉपी करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से उसको ऊपर की साइड आपको एडजस्टमेंट कर देना है। ये देखो आप देख पा रहे होंगे उसका कलर मैंने ब्लैक कर दिया है और ऊपर से डन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से ऊपर की साइड आपको एडजस्टमेंट कर देना है। आपको कुछ आप देख पा रहे होंगे कुछ अच्छी तरह से बस आपको कर देना है। ओके फ्रेंड, और फिर से टेक्स्ट में जाएंगे और फिर से सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पर पेस्ट करेंगे और फिर से उसका कलर ब्लैक करेंगे, उसको कुछ इस प्रकार से आपको रख देना है। ओके फ्रेंड, ये जो आपको ये वाला स्टोरी आइडिया में आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको एडिट करके दे सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मेरी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट इसलिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ से मेरा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिर से अंडरकोट लगाएंगे और इस बार उसका कलर है वो आपको व्हाइट रखना है, उसको कुछ इस प्रकार से आपको एडजस्टमेंट करना होगा। फिर से टेक्स्ट में जाएंगे, फिर से यहाँ पर पेस्ट करेंगे और फिर से सेम प्रोसेस करना है। कुछ इस प्रकार से मैं जैसे ऊपर की तरफ बनाया है वैसे ही बस नीचे की तरफ बना देना होगा, कुछ इस प्रकार से हो गया। इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, अब आपको जाना होगा गिफ्ट वाला ऑप्शन में। गिफ्ट वाला ऑप्शन में जाना होगा प्लस वाला आइकन पे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये देखो मैं गिफ्ट वाला ऑप्शन में चला गया हूँ। इसके बाद प्लस वाला जो नीचे की साइड आइकन है उसके ऊपर टच करेंगे, यहाँ से आपको जो भी पिक्चर को लाना है वो आप ला सकते हो। ओके फ्रेंड्स, उसके ऊपर एक बार टैप करोगे तो कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसको थोड़ा सा छोटा करने के बाद आपको इस तरह से आपको ये जो येलो वाला हमारा हमने बनाया है शेडो उसके ऊपर आपको लगा देना है, कुछ इस प्रकार से। ये देखो हो गया। इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर से टेक्स्ट में जाएंगे। टेक्स्ट वाला ऑप्शन में जाने के बाद आपको न्यू को टाइप करना है यहाँ पर और टेक्स्ट का टाइल आपको ये रखना है। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, टेक्स्ट का टाइल ये रखेंगे और जो कलर के पास जो ऑप्शन है उसके ऊपर दो बार टाइप करना है और कलर में जाने के बाद आपको यहाँ से रेड कलर को सिलेक्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, आपको ये वाला कलर को अच्छी तरह से बस लगा देना है, ऊपर से डन करेंगे, कुछ इस प्रकार से आपको ये जो व्हाइट हमारा बैकग्राउंड है वहाँ पर लगा देना है। इतना करने के बाद आपको फिर से जाना होगा टेक्स्ट में, यहाँ पर आपको टाइप करना होगा पोस्ट। ओके फ्रेंड्स, पोस्ट को टाइप करने के बाद उसका कलर है वो आपको व्हाइट ही रहने देना है। व्हाइट रहने के देने के बाद ऊपर से डन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको रख देना है। ये देखो मैंने रख दिया है। ये देखो फ्रेंड्स, हमारी स्टोरी बनकर तैयार हो गई है। ये वाला स्टोरी का आपको जो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अब नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। Fearless.